हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में इकोनॉमी का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीरो टीलेज का तात्पर्य क्या है? तो जीरो टीलेज का तात्पर्य क्या है दोस्तों? बिना जुताई के सीधे बुआई। जीरो टिलेज का तात्पर्य है बिना जुताई के सीधे बुआई, जीरो टिलेज का तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फील्ड कैपेसिटी की अवस्था पर भूमि में पानी रुका रहता है। फील्ड कैपेसिटी की अवस्था पर भूमि में 0.1 से 0.3 बार पानी रुका रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संतृप्त मृदा के रंध्रावकाश में नमी की अधिकतम मात्रा को कहा जाता है। एक संतृप्त मृदा के रंध्रावकाश में नमी की अधिकतम मात्रा को संतृप्त अवस्था कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम आकार के बीजों की गहराई कितनी होती है? तो मध्यम आकार के बीजों की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। यह क्वेश्चन छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के पेपर में आया हुआ सभी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जौ के बुआई की उचित विधि है सीड ड्रिल द्वारा जो बुआई होता है, जौ के बुआई की उचित विधि है दोस्तों। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। फसल अंकुरण से पूर्व होइंग करना क्या कहलाता है? फसल अंकुरण से पूर्व होइंग करना अंधी गुड़ाई कहलाता है। और दोस्तों, हम लोग अंधी गुड़ाई किस में करते हैं? तो हम लोग गन्ने में अंधी गुड़ाई करते हैं। देखते हैं सातवां क्वेश्चन। भूमि को आइसोलेटेड बंडस में जोतना क्या कहलाता है? भूमि को आइसोलेटेड बंडस में जोतना स्ट्रिप टीलेज कहलाता है। स्ट्रिप टीलेज, भूमि को आइसोलेटेड बंडस में जोतना स्ट्रिप टीलेज कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अनाज वाली फसलों के बीजों के लिए कल्चर का प्रयोग किया जाता है। तो अनाज वाली फसलों के बीजों के लिए एजोटो वेक्टर कल्चर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एजोटो वेक्टर कल्चर का प्रयोग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर सुन लीजिएगा। अनाज वाली फसलों के बीजों के लिए किस कल्चर का प्रयोग किया जाता है? तो अनाज वाली फसलों के बीजों के लिए एजोटो वेक्टर कल्चर का प्रयोग किया जाता है। नवा क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस की कमी का मुख्य लक्षण है? तो फास्फोरस की कमी का मुख्य लक्षण है पुरानी पत्तियों का रंग काला पड़ जाना। फास्फोरस की कमी का मुख्य लक्षण है पुरानी पत्तियों का रंग जब काला पड़ने लगता है तो उसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है। देखते हैं दसवां क्वेश्चन। किन उर्वरकों में तीनों पोषक तत्वों NPK मात्रा प्रतिशत का योग 25 से 35 तक पाया जाता है? तो समान श्रेणी उर्वरक में दोस्तों, समान श्रेणी उर्वरक में NPK की मात्रा प्रतिशत का योग 25 से 35% पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण जल को क्या कहते हैं? बाउंड वाटर कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जल को बाउंड वाटर कहते हैं। बारहवां प्रश्न देखते हैं। बत्तख किस प्रकार की खरपतवार को नियंत्रित करती है? तो बत्तख धान के जली खरपतवारों को नियंत्रित करती है दोस्तों। बत्तख धान के जली खरपतवारों को नियंत्रित करती है। तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं का मुख्य खरपतवार क्या है? फेलेरस माइनर गेहूं का मुख्य खरपतवार है। चौदहवां प्रश्न देखते हैं। गोबर की खाद में फास्फोरस होता है, तो गोबर की खाद में दोस्तों, गोबर की खाद में 0.25% फास्फोरस होता है। गेहूं की खाद में 0.25% फास्फोरस होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही खेत में शाकनाशियों के सुव्यवस्थित प्रयोग को क्या कहते हैं? एक ही खेत में शाकनाशियों के सुव्यवस्थित प्रयोग को शाकनाशी चक्र कहते हैं। एक ही खेत में शाकनाशियों के सुव्यवस्थित प्रयोग को शाकनाशी चक्र कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम जल उपयोग क्षमता वाली विधि है, तो ड्रिप सिंचाई विधि दोस्तों। अधिकतम जल उपयोग क्षमता वाली विधि है ड्रिप सिंचाई विधि दोस्तों। सत्रहवां प्रश्न देखते हैं।
अकरई रेंथर एस्पेरा किसका वनस्पति का नाम है? तो लटजीरा का, अकरई रेंथरन एस्पेरा लटजीरा का वनस्पति का नाम है दोस्तों। 18वां प्रश्न देखते हैं, बुआई के समय खाद व बीज का साथ साथ देना क्या कहलाता है? तो जब हम बुआई के साथ साथ खाद व बीज को देते हैं तो संपर्क संस्थापन कहलाता है दोस्तों, संपर्क संस्थापन कहलाता है। बुआई के साथ साथ खाद को देना संपर्क संसाधन कहलाता है। 19वां प्रश्न देखते हैं, CAN क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन उर्वरक है दोस्तों, CAN अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन उर्वरक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्यूटाक्लोर का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो ब्यूटाक्लोर का प्रयोग धान में किया जाता है दोस्तों, ब्यूटाक्लोर का प्रयोग धान में किया जाता है। 21वां प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा दोस्तों, जलीय खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया ड्रेजिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया चैनिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया कटिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 22वां क्वेश्चन में बताता हूँ, जड़ एवं कंद वाली फसलों के लिए सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? BBF, जल एवं कंद वाली फसलों के लिए सिंचाई की उत्तम विधि BBF प्रणाली है दोस्तों। 23वां प्रश्न देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ओरोबंकी क्या है? ओरोबंकी पूर्णतः जड़ परजीवी है, ओरोबंकी पूर्णतः जड़ परजीवी दोस्तों। 25वां प्रश्न देखते हैं, किस सिंचाई में मृदा केवल जड़ों के पास ही संतृप्त होती है? बूंद बूंद सिंचाई में दोस्तों, बूंद बूंद सिंचाई में मृदा केवल जड़ों के पास ही संतृप्त होती है दोस्तों। और ये 26वां क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए रहेगा, मुख्यतया मृदा जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, उत्स्वेदन द्वारा, अपचयन और अंतःस्रावण द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क करके भेज देना। दोस्तों मैं आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।